कामलता चरित्र आधारित पुस्तक सत्व, लेखक परम पूज्य न्याय विशारद आचार्य देव, श्रीमद विजय भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराजा। महावीर स्वामी का जीव, विश्वभूति, मुनि महावैरागी, महात्यागी और महातपस्वी होने के बावजूद पैतृक भाई के हास्यास्पद वचन सुनकर मन कलुषित हुआ। अभिभान कषाय के परवश हो गया और सत्व गमाया तो पतन कहां तक हुआ। मात्र गाय को उछाल कर नहीं रुके, गाय को अपने हाथों में पुनः पकड़ा, कुशलता से जमीन पर रखा और वहीं पर स्वबल का नियाणा तय किया। मन कलुषित होते ही सत्वनाश, विश्वभूति का नियाणा। विश्वभूति मुनि का मन अपमान होने पर कलुषित हुआ और यह नियाणा बांधा कि इस तप संयम के प्रभाव से मैं परभव में अमाप बल का मालिक बनूं। उस समय यह विचार भी नहीं हुआ कि यह तप संयम की साधना मैंने मोक्ष प्राप्ति हेतु की है, तो क्यों निदान करूं। नहीं, पैतृक भाई द्वारा किए गए अपमान के विचारों ने मन को कलुषित कर दिया। मन में अशांति फैल गई। मोक्ष नहीं, अब तो यदि तप संयम से कुछ मिलता है तो जो मैं चाहता हूं वही मिले। इस प्रकार के संकल्प से बलवान त्रिपुष्ट वासुदेव बने, अमाप बल मिला, परंतु वहां से मरकर सीधे सातवीं नरक में गए। सोचो अपमान से मन अशांत बनने का कैसा भयावह परिणाम। मन कलुषित होने पर ही तो निर्दोष गाय को हवा में उछाला और मन में अशांति होने पर ही मोक्ष का लक्ष्य भी छोड़कर दुनियावी बल की कामना कर दी, जिसके द्वारा वह बल मिला कि जो उन्हें बलवान त्रिपुष्ट वासुदेव बनाकर सातवीं नरक में भेज देता है। यह सब बातें गहन स्वरूप से चिंतन करने योग्य है। दुनियावी बातों पर मन के अशांत होते ही कितने ही पाप पैदा होते हैं। हरी सके ना कोई तारा, गुणों ना सरवाला, युगो सुदी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा।